सहरसा सदर थाना क्षेत्र के हकपाड़ा में शराब की तस्करी किए जाने की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। वहीं मौके से दो शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मौके से अन्य चार चक्का वाहन भी जब्त किया गया। इस बाबत सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हकपाड़ा मोहल्ले में शराब की खेप उतारी गई और तस्करों के द्वारा उसे खपाया जा रहा है, जिसकी गुप्त सूचना सदर थाने की पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं मौके से शराब लदा एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। इस कार्रवाई में कुल 40 पेटी अंग्रेजी विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसकी मात्रा तकरीबन 352 लीटर बताई जा रही है। वहीं मौके से दो शराब तस्कर रंजीत कुमार है और भोला शाह है, जो हकपाड़ा मोहल्ले का रहने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। मैकडोवल 40 पेटी शराब बरामद हुई है, दो व्यक्ति गिरफ्तार किया है, दो वाहन भी जब्त किए गए हैं। क्या सूचना मिली थी? गुप्त सूचना मिली थी, हकपाड़ा मोहल्ले में अवैध शराब की कारोबार किया जा रहा है। इस सूचना सत्यापन हमारे पुलिस ऑफिसर और LTF की टीम के साथ छापामारी किया गया, जिसमें 40 पेटी 350 लीटर BCC शराब बरामद हुई।